और अगली खबर जालौन से, जहां पर हो रही कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली है जब टीम ने सर्विलांस की मदद से अंतरजनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ उरई कोतवाली क्षेत्र में राठ मोड़ पर हुई है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी बदमाशों की सूचना पर चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक्सयूवी कार से आते देख जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो कार में सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है और घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही पुलिस ने 3 बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक्सयूवी कार के साथ अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आज रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शातिर अपराधी उरई कोतवाली क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे हैं और कहीं पर बड़ी डकैती करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर तत्काल टीमें सक्रिय की गई और टीमें बदमाशों की तलाश में लगी तो इनकी सूचना प्राप्त हुई कि ये डकोर रोड पर ये कहीं पर हैं और अपने सभी साथियों के साथ वहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर इनको घेराबंदी की गई और इनको ललकारा गया तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग झोंक की और जवाबी फायरिंग में इनके 2 अपराधी धीरेंद्र राजपूत और प्रदीप राजपूत दोनों घायल हुए हैं। एक अन्य को इनके साथ पकड़ा गया है। कुछ और अपराधी इसमें से भाग गए हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है और इनसे डिटेल इनसे इंटरोगेशन की जा रही है, धीरेंद्र, प्रदीप एवं उनके साथी से, और उनकी जानकारी भी की जा रही है कौन कौन लोग हैं। उनको भी चिन्हित करके बहुत ही जल्दी हम लोग उनको भी पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। धीरेंद्र और